हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो गाइस, आज है 25 जून और आज हम लोग जा रहे हैं टाटा का शोरूम। यस, तो आज हम लोग जा रहे हैं गाड़ी बुक करने के लिए, क्योंकि पिछले 10 सालों से हमने कोई गाड़ी नहीं खरीदी है। तो गाइस चलते हैं, आज कार की बुकिंग करने वाला हूँ। कौन सा मॉडल लेने वाला हूँ इसके लिए आप पूरा वीडियो को देखते रहो, क्योंकि इसी वीडियो में हम लोग गाड़ी का डिलीवरी भी लेने वाले हैं। तो चलते हैं टाटा का शोरूम, जो कि है द्वारका सेक्टर 22 या 26 में। तो लेट्स गो गाइस। फाइनली हमने डिसाइड किया है कि टाटा का गाड़ी लेना इस बार, नो मोर मारुति कार्स। और हमारा डिसीजन अच्छा होने वाला है या खराब, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो गाइस हम लोग आए हैं ऑटो विकास शोरूम द्वारका। डिलीवरी के लिए जब आएंगे तो आपको दिखाता हूँ कि कौन सी गाड़ी हमने बुक करी है। तो गाइस फाइनली हमने कार अपनी बुक कर ली है आज, और जल्दी हम लोग डिलीवरी के लिए आएंगे। तो हमारा सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, जल्दी हमारे हाथों में नई कार होगी। और ये मेरी लाइफ की तीसरी कार है। सबसे पहले हमने जो कार ली थी वो सेकेंड हैंड कार ली थी, उसके बाद हमने मारुति का वैगनार लिया नया कार, और अब तीसरी कार लेने वाले हैं जो कि बिल्कुल नई कार होगी। तो जल्दी इसके डिलीवरी के लिए आएंगे, तब तक आप भी वेट करो। तो गाइस आज फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी का डिलीवरी लेने जा रहे हैं। तो आफ्टर 1 मंथ हमारी गाड़ी की डिलीवरी का डेट आ गया है। कल बारिश के कारण कल डिलीवरी नहीं ले पाए, बट आज अभी जा कर के हम अपनी गाड़ी रिक का डिलीवरी लेने वाले हैं द्वारका सेक्टर 22 में ऑटो विकास के शोरूम में, और मोस्ट प्रोबेबली मेरी गाड़ी रेडी होगी। चले गाड़ी ले ली, पूजा भी करा लिया, और ये है हमारी न्यू कार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में एसेसरीज लगाने के लिए, और आज ही मैं सारा एसेसरीज नहीं लगाऊंगा, फेज़ वाइज मेरे को लगाना है, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे नहीं है अभी कि सारा सामान लगा सकूं। डेफिनेटली मैं कुछ जो इम्पॉर्टेंट एसेसरीज है वो लगाऊंगा। आप देखते रहो वीडियो को कि कौन कौन सी एसेसरीज लगाता हूँ, क्योंकि हर एक के लिए ना अपना एक चॉइस होता है कि कौन कौन सी एसेसरीज वो गाड़ी में लगाना चाहता है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी गाड़ी में डैश कैम लगाने वाला हूँ। तो डैश कैम मैंने मंगाया है ऑनलाइन, और मेरा जो डैश कैम है वो डुअल चैनल डैश कैम है DDPI का। उसके साथ ये एक फिल्टर लेंस मंगाया है और एक हार्डवेयर किट है। तो चलते हैं सबसे पहले कार जैसे लगवाने के लिए। मैं जा रहा हूँ रमेश नगर, और आपको अगर आपको आइडिया हो गया होगा कहाँ जा रहे हैं तो दैट्स गुड, नहीं तो चलो मैं दिखाता हूँ कहाँ से मैं एसेसरीज लगाने वाला हूँ। गाड़ी में गाइस काम शुरू हो गया है,
और चार ट्यूटर लग रहे हैं अभी, ST25 ट्यूटर के साथ साथ आगे पीछे कैमरा लगने वाला है, मैक्स लिंक का सिस्टम लगेगा। यहाँ पे भी ट्यूटर लग रहा है के लिए, वो डोरी के लिए नहीं बोला था कि ओरिजिनल लगेगा। तो अभी गाइस लगा रहे हैं डोर वाइजर, वो भी टाटा का जो ओरिजिनल डोर वाइजर होता है वो। मैंने कोई भी सामान अभी टाटा के शोरूम में नहीं लगवाई है, बट सारा चीज़ मैंने नितिन जी के ऊपर ही छोड़ दिया, जो यहाँ पे लगवा दे रहे हैं वो लगा रहा हूँ। बट क्वालिटी का चेक कर लेना, क्योंकि लो क्वालिटी भी होती है और हाई क्वालिटी भी होती है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप लगवाना। प्राइस डेफिनेटली शोरूम से बहुत कम है, यहाँ पे दी जा रहा है तो छाते लग जाएंगी। अच्छा छाते लगा लेते हैं। प्राइस ये है सार्फिन एंटीना, जो गाड़ी को एक नया ही लुक दे देती है। तो गाइस अभी म्यूजिक सिस्टम का काम हो रहा है, साथ में डैशबोर्ड लगा रहा हूँ, एक यहाँ पे एक पीछे, और दो कैमरे लग रहे हैं, एक आगे और एक पीछे। अभी सब कुछ खुला पड़ा है। ये साइड स्टैंड लग रहा है, प्लस हॉर्न लग रहा है, प्लस फॉग लैंप। फाइनली साइड स्टेप लग गई। ये क्या भैया फाइबर का है, पूरा फाइबर है। तो अभी फॉग लैंप लगवा रहा हूँ, हेड लाइट में कोई चेंजेस नहीं करवा रहा हूँ अभी, वो बाद में देखेंगे फॉग लैंप लगने के बाद कितना अंतर आता है। और पीछे का कैमरा यहाँ लगा है, तो मुझे तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा है, ये कैमरा यहाँ होना चाहिए था ज़्यादा बेटर। यहाँ पे बाद में करवाऊँगा। तो फाइनली मैं ये हटवा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे है, ये यहाँ पे आ रहा है, जो कि मेरा ग्राउंड क्लीयरेंस काफ़ी कम कर दे रहा है। तो प्लस ये गैप भी है, तो मेरे को लगता है इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए साइड स्टेप को अभी हटवा रहा हूँ। देखूँगा अगर ओरिजिनल में अच्छा लगेगा तो ओरिजिनल वाला लगवाऊँगा, नहीं तो ऐसे ही रहने दूँगा। देखो लगने के बाद अच्छी तो लग रही है, बट ये गैप। तो 70 मैट भी लग गई इसको, तो चलो सर माई समझिए, थैंक यू थैंक यू। वो तो यार हमारी आज गाड़ी की सारी से सीरीज लग गई, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। वीडियो मैं आपको 1x1 कल बनाऊंगा इसके ऊपर, तो कल आपको दिखाऊंगा कि मैंने गाड़ी में क्या क्या ऐसे सीरीज लगाया अभी। ठीक है पूरा फुल कर, पीछे का देखता हूँ, पीछे का इंडिकेटर। गाइस बैक लाइट छूट गई थी गाड़ी में, मैंने सोचा था कि पहले से ये लाइट आती है, बट बैक लाइट इसमें नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो बैक लाइट फिर से लगवा लेते हैं। ब्रेक लगाना ब्रेक। तो चलते हैं, कल पूरा वीडियो बनाऊंगा सारे एक्सेसरीज का, कौन क्या कैसे फंक्शन हो रहा है, क्योंकि अभी मेरे को खुद भी नहीं पता है। चल करके अभी चलते हैं, पहले इसको चलाते हैं, कल सारा रिव्यू बनाएंगे, रिव्यू वीडियो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। बात जब कार की मॉडिफिकेशन की हो ना, तो ये हर एक इंडिविजुअली वाइज वैरी करता है कि आपको क्या पसंद है और आपको क्या क्या एक्सेसरीज लगवानी है गाड़ी में। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो कॉमन होते हैं, वो मॉडल वाइज आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो मैं अपनी कार में मैंने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चीज़ों को लगवाया है, और मैं आपको बताता जाऊँगा कि मैंने कौन सा पार्ट किस लिए लगवाया है। अगर आपको भी लगता है ये पार्ट्स आपके लिए ज़रूरी है, आपके कार के लिए ज़रूरी है, तो आप लगवा सकते हो। मैं सारे पार्ट्स के प्राइस भी आपको शेयर कर दूँगा, जो कि टाइम टू टाइम थोड़े वैरी करेंगे, बट अगर आप सेम शॉप पे लगवाने के लिए जाते हो या फिर सिमिलर पार्ट्स लेते हो, तो लमसम प्राइस आपको सेम। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें अपनी गाड़ी में लगवाई है। तो चलते हैं, पहले इनसाइड से शुरू करते हैं। म्यूजिक सिस्टम की बात, इंफोटेनमेंट की,
तो हमने लगवाया है मैट्रिक्स का ये इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो गाइस ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके साथ आपको कैमरा भी आएगा रियर का एंड फ्रंट का, वो भी आप लगवा सकते हो। इसके साथ सारे फंक्शन काम करते हैं गाड़ी के। तो ये मैट्रिक्स का है जिसमें आपको वायरलेसली एंड्रॉयड एंड कार प्ले दोनों आपको मिल जाएंगे और बहुत ही स्मूथ फंक्शन है। अभी तो एक दिन ही हुए लगवाए हुए, लेकिन मैं आपको कुछ टाइम के बाद इसका रिव्यू भी दे दूंगा कि कितना अच्छा फंक्शन करता है 1x1 ऑप्शन। तो इसके लिए मैं एक डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस म्यूजिक सिस्टम के साथ मैंने 4 ट्यूटर लगवाए हैं जो कि ऑलरेडी नेक्सॉन के साथ जो स्पेस बने हुए होते हैं वहाँ पे, और एक यहाँ पे और 2 पीछे के साइड में। तो 4 ट्यूटर एंड एक ये स्क्रीन लग गई है। ये इसके साथ सारा कुछ फंक्शनल है, ये सारे नॉब्स वगैरह काम कर रहे हैं। और दूसरा जो मैंने लगवाया है वो है स्टीयरिंग कंट्रोल। तो स्टीयरिंग कंट्रोल हमारा यहाँ पे है। आप देखोगे कि सभी लोग एक साइड का स्टीयरिंग कंट्रोल लगवाते हैं, लेकिन मैंने इसको कुछ एडवांस बना दिया है, दूसरे साइड का भी स्टीयरिंग कंट्रोल लगवाया है। ये फंक्शनल नहीं है बट ये प्रॉपर काम करता है, एवरीथिंग काम करता है। आप अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से साउंड वगैरह इंक्रीज करवा सकते हो, तो यहाँ से म्यूट। और ख़ास करके ये वाला जो फंक्शन है वो काफ़ी ज़रूरी है जब आप ड्राइव करते हो, तो ये वाला तो बहुत ही हेल्पफुल होता है। फ्रेंड्स मैंने इस गाड़ी में डैश कैम लगवाया है जो कि DDAPI का है, 3 प्रो मोला करके आता है इनबिल्ट GPS के साथ। और ये डुअल चैनल डैशबोर्ड है, एक आगे लगा है और एक पीछे। तो इसके भी काफ़ी फंक्शनैलिटी हैं। तो गाइस इस डैश कैम के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा, और ये आजकल बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको फ्रंट डैश कैम तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप शहर में या कहीं हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो तो जो छोटे मोटे इंसिडेंट होते हैं उसको रिकॉर्ड करना आज के डेट में बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मैं तो आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप डैश कैम तो ज़रूर यूज़ करो अपने गाड़ी में। तो मेरे गाड़ी में टोटल 4 कैमरे हैं, 2 रिकॉर्डिंग के लिए और 2 लाइव व्यू के लिए। नेक्स्ट एक्सेसरीज की बात करें तो ऑटो कंफर्ट का मैंने 7D मैट लगवाया है। अच्छा है बट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये मैं बाद में चेंज भी करवाऊंगा इसको। लेकिन इसकी प्रॉपर फिटिंग है, आप देख सकते हो प्रॉपर फिटिंग है। देखते हैं कुछ यूज़ करने के बाद ये कैसा लगता है, कैसी इसकी स्टेबिलिटी होती है। और एक एक्सेसरीज मैंने ये हैंडल के लिए लगवाया है, ये भी काफ़ी अच्छा है बट इसकी भी उतनी अच्छी फिटिंग नहीं है। ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, एस टू एस फिटिंग नहीं है, यहाँ पे देखो छूटा हुआ है। तो इट माइट बी कि कुछ टाइम के बाद इसको मैं चेंज करवाऊंगा। इसको लगाने के बाद हॉर्न नहीं आता, हॉर्न बजाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट एक्सेसरीज़ का बात करूँ तो ये मैंने हैंडल में पियानो फिनिश में कवर लगवाया है चारों हैंडल पे। फिर नेक्स्ट एक्सेसरीज आ जाता है मिरर में, सेम ब्लैक पियानो फिनिश में मैंने ये कवर लगवाया है। डोर वाइज़र ये टाटा का ओरिजिनल नहीं है बट इतना बुरा भी नहीं है, और प्राइस में भी आपको 50% सेव करता है। तो अभी मैंने लगवाया है टेस्ट करने के लिए कि कैसा आता है। तो गाइज मैंने बेसिकली टाटा के शोरूम में किसी कारण बस उस समय अवेलेबिलिटी नहीं थी या इनके बंदे नहीं थे, मैंने कोई एक्सेसरीज नहीं लगवाया गाड़ी में टाटा से। सारे मैंने एक्सेसरीज मार्केट में लगवाए, मैं चाह रहा था कि कुछ टाटा के एक्सेसरीज लगवाऊं बट चूंकि अवेलेबल नहीं था, जिस दिन डिलीवरी ले रहा था लोग थे नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर ही लगवा लूँगा। और अच्छा हुआ कि मैं बाहर ही लगवा रहा हूँ, क्योंकि एक्सेसरीज बाहर लगवाओ अंदर लगवाओ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं करता कुछ चीज़ों को छोड़ करके। वो भी मैं फर्दर आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ आप टाटा में लगवाओ और कौन सा बाहर लगवाओ जो आपके गाड़ी के लिए अच्छा होगा। तो नेक्स्ट एक्सेसरीज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्सेसरीज है शार्क फिन एंटीना जो कि प्रॉपर फिट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रेडियो के सिग्नल में कोई इशू नहीं है। और जो नेक्स्ट एक्सेसरीज है बैक लाइट ये मैट्रिक्स वाला आजकल चल रहा है तो वही मैंने लगवाया है दोनों साइड। और ये मैंने रियर बम्पर लगवाया है, ये आप देख सकते हो
इसकी लुक ऐसी बन के आ रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हो गया मड फ्लैप। तो गाइज़ मैंने एलईडी फॉग लैंप लगवाया है जो कि काफ़ी अच्छा लाइट कर रहा है। तो गाइज़ मेरा गाड़ी एक्सएम मॉडल है और एक्सएम मॉडल में फॉग लैंप नहीं आती है, तो इसमें मैंने फॉग लैंप लगवाया है। नेक्स्ट एक्सेसरीज की बात करते हैं, तो मैंने लगवाया है पार्सल ट्रे जो कि टाटा का है, आप देख सकते हो टाटा की ब्रांडिंग है। और ये मेरे को काफ़ी सस्ता पड़ता है, अगर आप टाटा से लगवाओगे तो यही पार्सल ट्रे आपको 3000 का मिलेगा। बट अंतर होगा कि उसमें एक यहाँ पे थ्रेड लगा होगा जो कि इस यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी हो जाती है, और जब आप इसको ओपन करोगे बूट के दरवाजे को तो ये ऊपर ऐसे की ओर उठ जाएगा। तो इस ट्रे में भी वो थ्रेड लग सकता है, उसके चार्जेस आपको अलग से लगेंगे, तो वो भी आप लगवा सकते हो। मेरे को ज़रूरी नहीं लगा वो धागा लगवाना, क्योंकि बस देखने के लिए अच्छा है, बहुत ज़्यादा उसका यूज़फुल नहीं है। जब आप इस पर सामान रखोगे और डूअर के साथ ही अगर ऊपर होगा ना तो टूटने के चांसेस होते हैं। तो ये था पार्सल ट्रे की के अंदर बैठना। तो लियाना अंदर बैठी हुई है और खेल रही है अपने डॉल्स के साथ। हाउ आर यू फीलिंग? नाइस। ये सारे जो एसेसरीज थे वो मैंने अपनी गाड़ी में लगवाए हैं। ये मेरा फर्स्ट लेवल का मॉडिफिकेशन था, और जो लमसम कॉस्ट चला गया है टोटल वो 50-60 के बीच में है। ये 60-70 के बीच में है डैश कैम इंक्लूड करके। तो सबका प्राइस आपने देख लिया होगा कि क्या है, लमसम आपको प्राइस यही मिलने वाले हैं। अभी जो मैंने गाड़ी में नहीं करवाया उसकी बात कर लूँ, तो अभी मैंने कोई फ्लोरिंग का काम नहीं करवाया, सीट कवर नहीं लगाया, क्योंकि मेरे को इसके ओरिजिनल सीट ना बहुत पसंद है। पहले दिन गाड़ी में बैठने के बाद मेरे को इसका सीट ही पसंद आया था सबसे पहले, तो मैं ये सीट कवर चेंज करने वाला नहीं हूँ। और भी छोटे मोटे काम हैं, मेन हेडलाइट्स में मैंने कोई बल्ब वगैरह चेंज नहीं करवाया, कोई लाइटिंग का काम नहीं करवाया है, वो भी बाद में करवाऊँगा, अभी मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं लग रहा है। अभी कुछ दिन नई गाड़ी वाली फील ले लेते हैं, उसके बाद ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमें चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं है। और गाइज मैं भी आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप प्रॉपर ऑब्ज़र्व करो कि आपको कौन कौन सी एसेसरीज लगवानी है गाड़ी में, उसके बाद ही। मैंने वादा किया था कि वीडियो के लास्ट में आपको एक टिप दूँगा, और वो टिप ये है। तो जब आप साइड स्टेप लगवाते हो गाड़ी में ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप मार्केट से बाहर मतलब कंपनी के बाहर लगवा रहे हो साइड स्टेप, तो आपकी ग्राउंड क्लियरेंस कम ना हो जाए। बाहर जो इसके सपोर्टिंग मटेरियल्स लगते हैं वो काफ़ी नीचे आ रहा था, लगने के बाद मेरे को लगा कि मेरा कम से कम 4-5 इंच का ग्राउंड क्लियरेंस कम हो रहा है, तो मैंने उसको हटवा दिया। तो गाइस आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर देना, और मैं कोशिश करूँगा कि टाटा नेक्सॉन से रिलेटेड जितने भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन हो वो मैं आपके लिए लाऊँ, मैं उसको यूज़ करूँ और उसके बारे में आपको बताऊँ, ताकि आपको इससे कुछ हेल्प मिल सके। और हमारा यही मोटो होता है, क्योंकि मैं भी बहुत सारी वीडियो देख करके ये इन सारी चीज़ों के बारे में जाना हूँ और डिसाइड करता हूँ कि कैसे क्या लगवानी है। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि मैंने जो अपना एक्सपीरियंस गेन किया है इन चीज़ों को लगवाने में, मैं वो आप लोग तक पहुँचाऊँ और आप उससे कुछ फ़ायदा उठा पाओ। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।